मेरे को यकीन नहीं हो रहा मालूम अपनी शादी हो गई। मैं तो तुम्हारी फोटो देखते ही पसंद कर लिया था, अम्मी को बोला नक्को बोलो बोल के। अरे स्वीट अम्मी रिमोट रखे मालूम इसको दूध को ढापने। इज दैट मिल्क? नहीं जहर है, आपसे शादी हो गई बोल के दूध ही। जहर ही है तो अच्छा है, क्योंकि दूध आई होप इट्स नॉट। क्यों तुम्हारा को एलर्जी है क्या ऐसा कुछ? शाहरुख आई एम वीगन। वो आ गया हैदराबाद में। व्हाट डू यू मीन? तो दूध तो पी ले सकते हैं ना यार, ये नॉन वेज थोड़ी है। नो नो शाहरुख, वीगन का मतलब नहीं मालूम आपको? नहीं। मैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं कर सकती, लाइक जो भी चीज एनिमल से डिराइव होते ना, कांट। ये बात आप बोलते हैं तुम्हें को? आई थॉट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ अरे मैं पक्का हैदराबादी नॉन वेज लवर हूँ, ऐसा कैसा इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे हम ब्रश ही चार और गोश्त के फैट से करते। तो कल से टूथपेस्ट से कर लो, लेके आई मेरे साथ। कब से शुरू करे यार ये? शुरू से डे वन से। वो एक बार ना मैं चिकन का सालन खा रही थी और चिकन में खून लगा हुआ था, जब से ट्रॉमा हो गया मेरे को उसके बाद से सोचे भी तो उल्टी आती मेरे को। कांट। तुम्हारा ट्रॉमा मेरे पे क्यों थोप रहे यारो? कुछ बोले आप? तुम कर लो ना खाली वीगन डाइट, हम लोग को छोड़ दो। अच्छा सुनो, अपन एक डील करेंगे, मैं 1 मंथ तक वीगन खाना बनाती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आया तो उसके बाद मैं नॉन वेज बन जाती हूँ, क्या बोलते? इतनी बात नहीं सुनते मेरी। अरे यारो 1 मंथ क्या, तुम्हारे वास्ते 3 मंथ तक वीगन डाइट हूँ मैं। रियली? अम्मी पापा को भी मना लेते। ठीक है देन 3 मंथ्स। ये नहीं पी सकते ना? नहीं, जरूरत भी नहीं थी। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ही घंटा दबाओ। नहीं नहीं ऐसा अर्जेंट में कहीं को बुला रहे थे अपने को? आवाज से तो बहुत साथ दिख रहा था बाबा की। भाई ले भाभी छोड़ के भागे क्या? अरे कहीं कोई बोल रहा है अभी तो एक बीच महीना हुआ इसकी शादी होगी। चल अरे अजीबो मलक पेट पे कब खुली यार? एक महीना हो रहा है 1497 मेट्रो पिलर के सामने, आखिरी बड़ी है ना अंदर से। इन्हें क्या फैमिली सेक्शन में बड़े आते हैं? फायदा वे तुम अकेले अकेले आके कब सुधी है मंदी यहाँ पे? अरे नहीं मम्मा, मैं पूरे खानदान के साथ आया, नाना को भी लेके आया था, नीचे व्हील चेयर एक्सेस नहीं दिख रहा था। सुकून हो गया? अरे इधर 25 क्या भी ना है, 10 के ऊपर डाइनिंग टेबल आए, अपना प्लेयर कहाँ बैठा है कि क्या है? अरे अरे इधर ही छे देखो, वो जल्दी आए, भूख लग रही, खाना ऑर्डर कर लेंगे। खाना तो ऑर्डर करेंगे रे भाई, पहले ये बोल तेरी ऐसी सूरत कहीं हो गई, कैसी उतर गई सूरत? अरे एक महीना छुआ ना, अरे शादी हो गए, हनीमून पीरियड चलना ना, ये ऐसा दिख रहा तो 2 साल से संभाल रहा भी। डरा के रखने वाले भाभी मिले शायद, पूरा टेक ओवर ले लिया इसके ऊपर। खाश फसा रहता था मामा, खुश तो रहता था मैं। फिर क्या हुआ, शादी में लिए सो खर्चे वापस करना है क्या तेको? काश वो तो भी रहना था, खुश तो रहता था मैं। फिर क्या भाभी किसी के साथ? काश वैसा। चुप, भाभी वीगन है यार वो। तो बायोडाटा में मेंशन नहीं था भाभी वीगन है सो? 3 महीने पहले हुए नो वीगन में कन्वर्ट, बायोडाटा 4 महीने पुराना है। तो फिर खा रहा क्या मामा दिन में? गुड क्वेश्चन। अरे आप अब तक नहीं उठे, जल्दी उठिए। गीजर ऑन कर दी मैं, पानी गर्म हो गया होगा, गोटे का शावर, और मैं इस्त्री करके आपका शर्ट भी रेडी रख दी। ऑल्सो नाश्ता बना रही हूँ मैं, तो जल्दी रेडी होके आ जाओ, ठंडा हो जाएगा खाना। वाह लाइफ हो तो ऐसी, एक खूबसूरत बीवी आके उठाए, माँ का फंड मजा ही चाह जाए। एक गीजर ऑन है, उठने से पहले नहा लिए, निकल लिए, सीधा टी शर्ट पहने, वो भी इस्तरी करी हुई, मजा आ जाए। फिर उसके बाद जाके सीधा टेबल पे बैठते कि मजे का खाना रे। हाँ क्या है बेगम ये? शिरखुरमा है, नहीं दूध रोटी। रोल्ड ओट्स है ये? ओट्स? मेरे को मालूम आप ऐसा नहीं खाते। 1 सेकंड। मैं कैसा भी ना खाता हूँ। अच्छा ये लो अनार, मिठास भी आ गई अब तो। अनार अलग खा लेता था मैं से, आप नहीं डालना था। अरे आप खाओ, देखो मेरे पापा कितनी खुशी से खा रहे, जल्दी खाओ। खुशी तो इन लोगों के चेहरों पे दूर दूर तक नहीं दिख रही। अरे पहले दिन ऐसा नाश्ता दिए बेटे बहू, रोज तो ऐसा नहीं देते ना। बोल बेटे, अम्मा कुछ पूछ रही, तेरा जवाब दे, रोज ऐसा नाश्ता तो नहीं मिलेगा ना? अरे पापा हेल्दी है ये। पानी पानी पानी। तेरी सूरत देखने की थी उम्मीद है भाई, तू ओट्स कहाँ है जब? कैसा निकले गए मामा ओट्स? बढ़िया नहीं सोचे तो। अंकल आंटी पे रहम आ रहा है, लेकिन बेचारे तेरी परेशानी उल्ला भुगत रहे।
बेटे हेल्दी तो तुम लोग खाना, हम लोगों को बीपी शुगर है, हम लोग गोलियां खा रहे हैं ताकि डबल गोश्त की बिरयानी खींचेंगे बोल के। ये क्या है रे? अरे इसमें दूध का भी मजा नहीं आ रहा। पापा इट्स अ सोय मिल्क। ये कौन सा जन्म हो रहा है बेटे? जन्म? माय गॉड, पापा आई एम वीगन। शाहरुख आप नहीं बोले मैं वीगन हूँ सो, और आप तो बोले थे कि हमें पापा कुछ भी खा लेते। शाहरुख अपनी 3 months की डील हुई थी। मैं समझा देता हूँ वीगन क्या है। अरे इन्हें वीगन है भाई, जानवरों से रिलेटेड कुछ भी नहीं खाती, ना गोश्त ना दूध ना अंडे, समझ रहे? वो क्या हुआ था, इनके पापा जो है सस्ती चिकन ला लिया शायद, क्या हुआ कि पका है उसको, तो जैसा उन्हें निवाला लेने गई चिकन में फोन, वहाँ से उसको ट्रॉमा हो गया। जब भी उन्हें गोश्त देखी कुछ भी देखी ना, उकारी आ जाती उसको, जब से उन्हें वीगन हो गई। लेकिन उन्हें बेचारी इतनी अच्छी है, मेरे को बोली 3 महीने तक देखो, अगर ये अच्छा दिखा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं दिखा वापस उन्हें नॉन वेज पे आ जाती बोली। कैसा भी अपने को ये कहाँ पसंद आ रहा, 3 महीने ये डिटॉक्स है समझो, उसके बाद दबा के देंगे। 3 महीने संभाल लेंगे, वैसे भी जो है शादियों में मटन आ चिकन आ झिंगे दबा के 3 टाइम दे दिए, सही है संभाल लेंगे। अच्छा है, अनार कहाँ से लिए पापा? बहादुरपुरे से। अच्छा देखो भाभी, 1 month का पैकेज दे रहे थे, तू 3 months का ले लिया, कई को तो भी रे होशियारी आई। वो जो जोश में कर लिया रे, भाभी को इम्प्रेस करने के चक्कर में बड़ी गलती हो गई। इससे भी बड़ी गलती क्या थी इसकी बोल तू? शादी की पहली रात ही ने बीवी की बात सुन दिया, हाँ मैं हाँ मिला लिया। अब तुम जिंदगी भर खाली सुनो सुना तो नहीं सकते, स्टीयरिंग दे दिया उसके हाथ में, तुम सीट बेल्ट लगा के बैठो खाली। अब सही में श्वेप, जरा वेटर को बुलावा, मेरे पास तो पुकारने में दम ना होगा। वेटर, अरे यारो स्मार्ट कॉल फीचर है, यूज करो। हाँ ठीक है, बटन दबा आ जाता। हाँ बुला लिया। अरे मम्मा वेटर आए तक तुम लंच में क्या मिला वो सुनाओ ना, स्टोरी सुनना दिल बोल रहा तुम्हारे। नकोरे भाई, वोट्स खाते पेट पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप तीनों? छुपा छुपा वीगन आ गई। अरे वीगन खाते चिप्स, कुछ भी नहीं बस बैठे हुए थे ऐसे। अच्छा चलो ना, लंच रेडी हो गया, ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं दिखता फिर। आई एम श्योर गरम भी अच्छा नहीं दिखता हो। यू नीड टू स्टॉप इट आशारु। ये वाल तो। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाओ, बिकॉज आई एम रियली हंग्री। लंच में क्या देती थी बेटे? सॉरी तेरा 3 महीने संभाल लो आप, बचपन से सता रहा बेटे तू। अरे शवरमा, शवरमा मिला अभी, क्या हो ना भाई? नहीं रे मैं समझा वो शवरमा है, लेकिन था वो वीगन बरिटो रोल। अरे ये नाम इसमें पहली बार सुना। वो वीगन डिशेस महंगे रहते ना रे, अभी वो एरिया में नहीं गया तू। वीगन बरिटो रोल है। अच्छा वो कद्दू का है शायद, वो बड़ा बना दिया मगर। अरे उसको रखो थोड़े जी, थैंक बंदो ने उसमें साथ आधा दे। नहीं पापा आप पूरा खाओ, मैं अभी आधा आधा खा लेते, आपको जरूरत है? नहीं बेटे मैं दे देता हूँ, बहुत बड़ा है ये। अरे मैं दे रहा हूँ। नहीं बेटे मैं तोड़ भी दिया। क्या क्या है बेटे इसमें? क्या कि बीजा काले आलू, ये मस्का उसका, चावल भी है रोटी के अंदर। बेटे इसमें चावल भी है, चावल गलती से डाल दी क्या? ब्राउन राइस है डैडी वो। नहीं नहीं वो कलर नहीं पूछा बेटे, मैं रोटी के अंदर चावल डाले क्या? आप पहले बरीटो नहीं खाए कभी? नहीं बेटे ऐसी नौबत कभी नहीं आई हमारे को। नौबत इट सीम्स, समझ गई मैं, शाह का ह्यूमर आपके पास से ही आया। टू फनी। मम्मी आपको कैसा दिखा? बहू तुम इसमें इतने दुनिया की चीजें डाले, मजा डालना भूल गए शायद। शाह ईट नो, मैं को भूख नहीं है यारो। यू लायर, खा के बोलो ना जल्दी कैसा है। तू भी खामोश ना बैठता। नहीं तेरे पेट में से आवाज आई। इसका पेट इसकी भूख की गवाही दे दिया। तुम कहीं भी नहीं खा रहे? मैं खा ली ऑलरेडी। तो ये और खाओ ना अम्मी का। अरे अच्छा आप पहले खा के बोलो कि कैसा है। बरीटो मोर लाइक बरी मी। फनी। ये जोक तो मैं मेरे वीगन फ्रेंड्स ग्रुप में डालूंगी। आई जस्ट होप दे डोंट ब्लॉक मी। मम्मी पक्का आपको ये नहीं होना ना, मैं खा लूंगी फिर नहीं मिलता। खा लो, आप खाए तो मेरा पेट भरता बहू। जैनब ये भी खा लेते क्या? आप खाए तो मेरा पेट भरता। फिर आई पापा की चाय। बगैर दूध की चाय बना दिए क्या? वीगन यूज नहीं करते बोला ना तू। अरे चाय बनाओ जी। क्या होना डैडी?
चाय हो ना? मैं बनाती हूँ मजे की एकदम। बहू मेरे से चाय न को छीनो। चाय तो मैं छीन के रहूंगी। जिंदगी में चाय नहीं पीना फिर आप। प्लीज से खलीस चाय बनाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं। याद रखेंगे जिंदगी में। वो घाट नो बदतरीन चाय नहीं। डैडी आर यू ओके? क्या हुआ? वो चाय दे दो ना। अरे म्याऊं ये लीजिए डैडी आपकी चाय। अरे पापा सुबह रोटी में चावल था, अब चाय में क्या कॉफी डाल दी खी जाएगी। मम्मी कहाँ है? उनके लिए लाई थी मैं ये चाय। खैर ठीक है आप ले लीजिए। दे दो। शाहरुख आप तो कॉफी ना? नहीं प्लीज मैं छोड़ दिया। डैडी आप चाय को घूर रहे क्यों? पीजिए ना। आई रियली वांट टू सी योर रिएक्शन। मेरी पहली चाय है आपके लिए। हाँ पापा पी लो, दूध भी दिख रहा है इसमें गनीमत। क्या बदतमीजी है चाय के साथ मेरे? क्या हुआ डैडी? व्हाट हैपेंड? अरे पापा जान लो खाली 3 मिनट समय। नथिंग हैपेंड। नो टेस्ट नो जिंक। दूध वाला क्या दवा मिला के दे रहा दूध में? हाँ पापा लास्ट मंथ उसको पैसे नहीं दिए थे। दूध वाले को तो निकाल दी मैं। तो उसमें दूध नहीं डाले तो फिर क्या डाले? दूध ही है बट इट्स आमंड मिल्क। क्या ऐसी तोते उड़े ये सुन के मेरे और पापा के। अरे बादाम मिल्क तो मीठा रहता ना रे, उसकी चाय कैसा बनाए? अरे नहीं रे वो बादाम मिल्क नहीं, बादाम का मिल्क रहता। ये बादाम कब से दूध दे रहे हैं? दे रहे नहीं, जबरदस्ती निकाल रहे उबाल उबाल के। वो बादाम के दूध की चाय लेके जाके अंकल सीधा फ्लश करे होंगे। नहीं पी लिया यार वो। मेरे को बादामों से एलर्जी है, नहीं पी सकता मैं चाय। माय गॉड डैडी आई एम सो सॉरी, मेरे को मालूम ही नहीं था। आप पी लो ना, बहुत महंगा रहता है ये। 250 रुपीज पर लीटर। 50 रुपीस पर लीटर? या पी लो फिर, मैं ये मम्मी को देके आती हूँ। अब उनको तो आमंड से एलर्जी नहीं है ना? नहीं काजुओं से। अच्छा बोल दिए, अब मैं डिनर में अवॉइड कर सकती हूँ। बेचारे अम्मी घटे खाली पेट चाहिए, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। दरवाजा लगा लिया। नहीं ज़ैनब खोल देती दरवाजा। बेटे आज मुझे चाय पी ले। बेटे तेरे को माँ बाप से मोहब्बत है तो रूम में हमारे पास छोटा सा एक फ्रिज ला के रख दे, उसमें मैं दूध की पैकेट ला लेके रख लेता हूँ और उसके सामने नहीं पीता हूँ। 3 महीने तक खाना वो तो संभाल लेंगे बेटे, ये चाय नहीं हो सकता अपने से। पापा आजकल छोटे फ्रिज भी महंगे आने समझ चल रहा ना। सेकंड हैंड ले ले बेटे। ठीक है पापा। पापा मेरे को मालूम आप पैसे वेस्ट हो रहे हैं बल्कि ज़बरदस्ती चाय पी रहे हैं। आई डिजर्व दिस, मैं लाया उसको आप लोगों की ज़िंदगी में, ये चाय मैं पी लूँ। नहीं बेटे मैं उतना बेरहम पाप नहीं हूँ जो मेरे बेटे को आलमंड मिल्क की चाय पिलाऊंगा, फिर ये जहर मैं खुद पी लूँगा। पट्टे तेरे ही बाबा है जो बर्दाश्त करे आलमंड मिल्क की चाय। अगर मेरे बाबा को मेरी बीवी आलमंड मिल्क की चाय देती ना, वो इस चाय में डुबा के मारी डालते थे बाबा सबको। बाप बाप होता बाप। ओ बाप सही बोला। बाप मेरे बाप को बहुत तकलीफ दे दिया रे मैं। खैर अब ब्रेकफास्ट लंच का थाऊंगा, डिनर तो अच्छा दिए होंगे भाभी। सुना है ना तू डिनर का, बोल क्या मिला? मिला भी सही मजे ले रहे मेरे। हाँ सुन सुन के डैडी आपको पसंद आ रहा नहीं है? बेटा ये तो चलते रहता, जरा खाना सालन निकाल दो। सही बोले, मेरे को तो सैलेड भी रखो, डायरेक्ट चावल ला लो। सालन क्या पकाए? आप दोनों फिर सता रहे नहीं मेरे को, देख रहे हैं मम्मी? अरे मम्मी देखे she likes it। मम्मी के पास ताकत नहीं है, सुबह से कुछ भी नहीं खाए उन्होंने, छोड़ दिया वैसे। पापा कल ग्लूकोज चढ़ा लेंगे। यारो खाली सैलेड, खाना कुछ भी नहीं। ये है सुप्रीम ग्रीन बीन वीगन सैलेड। तो सुप्रीम है तो क्या है इसमें सुप्रीम? ना गोश है ना चावल है। या ये 3 महीने अगर ये सैलेड आ गया ना खुमा में चल जाती हूँ। क्या थोड़ा चावल सुखो। ये तो बहुत बुरा हो रहा ना रे तेरे साथ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक सकता तू। सर आप ऑर्डर के लिए रेडी है सर? सैलेड से नफरत हो गई? सर सलाद से शुरू करेंगे, बहुत अच्छा रहता हमारे पास। सैलेड का नाम मेरे सामने नहीं लेना। अरे अरे जान दे रे भाई, कहीं को किराक हो रहा? पूरे वेटर आ मिलके शटर डाल के वो मारेंगे तीनों को, छोड़ उसको। अरे जान रहा है रे भाई, मेरा दोस्त रोज सैलेड खा के बकरी की डाइट हो गई उसकी। मैं आई एम सॉरी ब्रो, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, आप आइए, आप बैठो, आप सुकून से समझाना है। भाई मैं अजीब हूँ कहीं को यार, मैं कैसा हुआ ना मालूम खाना? ऐसा मटन फुल फैट लगा हुआ, ये चिकन ये फिश, ऐसे चीजों के आइटम आप बोलो भाई, मेरी बीवी वीगन है। सर आपके लिए स्पेशल बना के लाता हूँ। जरूरी है भाई, गोशी होना है, आप आइटम आप बोलो क्या क्या है। जुर्बियान है। जुर्बियान क्या आ गया?
जी तुर्की इस्लाम में यमनी प्राय। सुनो एक काम करो, आप बोलते बोलते ला लो, भयंकर भूख लग रही है। यूं गया यूं आया सब। जल्दी प्लीज, आप नहीं जा रहे हैं, आप खाली बोल रहे हैं। सर ये है टर्किश लहम और ये यमनी पराठा है जो इसके साथ बिल्कुल सर्टन बैठता है। ये है टर्किश चिकन, ये है टर्किश चिक कबाब। इसमें आपको एकदम ऑथेंटिक टर्किश टेस्ट मिलेगा। आप अब मेरे आंखों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या देख रहा हूँ। ये एक महीना हो गया रे भाई इन लोगों को देख के, क्या हो गई रे भाई लाइफ। लोग बीवियों से छुपके स्टेपनी से मिलते, मेरे को देख गोश्त खा रहे भाई छुपके, क्या करूं अब मजबूरी है। अरे भाई बहुत बुरी हालत चल रही घर में। अरे परसों तो क्या हुआ, खाली प्याज भाई, नींबू निचोड़ के खाली प्याज डिनर में, फिर क्या बोले तो डाइट। और ये है जुरबियान, इंडिया में फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हो रहा है, एकदम जूसी डिश है। सर ये है अरेबियन मिक्स मंदी जिसमें आपको हर चीज आता है, मटन चिकन फिश प्रॉन्स। इसमें दो राइस आएंगे आपको सर, बुखारी राइस और मंदी राइस, दो डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। चलो करो ना बिस्मिल्लाह। भाई पहले तुम लोगों से गले मिलना है यारो। थैंक यू सो मच। अरे भाई शादी में खाया गोश्त, तुम ना देखे वलीमे में खीरे खा रहा था मैं पेट खराब बोल के, झूठ बोला रे भाई बीवी की वजह से। अरे जान दे रहे भाई, एक महीना हो गया, दो महीने खींचवाते निकल जाता। वो तीन महीने बोले भाभी, पूरा तीन साल खींचते। तीन साल अगर इन्हें वीगन रहा ना, जहाँ गए वहाँ तेरे को ग्लूकोज चढ़ा लेके फिरना पड़ता। एक महीने में 28 कमर हो गई मेरी। अरे बुलेट निकालने नहीं आ रहा मेरे को मेन स्टैंड पे से, मालूम रखी हुई है कैब में है मैं इधर। वाकई है जुर्बियान, अपने को कैनाइन थी कैकू है, गोश्त खाने के वास्ते खीरे चबाने, ऐसा मैं कई साल के बाद फील कर रहा हूँ, इतना हैप्पी। सर खाना हो गया आपका, मीठा ला लूं क्या? अरे पूछने का क्या है साहब, ला लो पूरे मीठे ला लो, फुल फैट फुल क्रीम, समझ रहे ना, डेयरी प्रोडक्ट से भरा हुआ, न्यूटेला चॉकलेट ला लो भाई, ला लो लो। ओके लो। सर ये है हैदराबाद का सब में मशहूर और मारूफ शादियों का फ्रूट का मीठा। ये है फ्रूट का मीठा थ्री फ्लेवर आइसक्रीम वाला, जिसमें आपको तीन किस्म के अलग अलग आइसक्रीम आएंगे। आप ये जो है ये न्यूटेला वाला कुनाफा है सर, और दूसरा नॉर्मल चीज कुनाफा भी मिलेगा आपको। मैं नहीं खा सकता, मम्मी पापा याद आ रहे हैं। बहुत जल्दी याद आया, पार्सल ले लेता हूँ। अच्छा नहीं दिख रहा रे भाई, पापा मेरे परसों घर में खाना धुन लेते फिर रहे थे। बेटे कुछ खाने को मिला क्या? नहीं पापा, हैसो भी दे दे रहा हूँ, अंडे है अब नहीं खा सकते, तीन महीने तक महेश को दे दे रहा हूँ वॉचमैन को। इसके आस्ते बोले बेटे बड़े लोग, खाना भी नसीब में होना बोलिए। अम्मी यार बैठे बैठे रो ले रहे मालूम, बैठे बैठे। मेरे अम्मा भाई और बेचारे लंच में क्या दी की उन्हें। शोएब जरा वेटर को बुला के जो जो आइटम अपन खाए नहीं पूरे पार्सल करा दे। बाप गोश्त खाते गर्मी आ गई, सो देगी भाभी के सामने लेके जाता किराक हो जाएंगे। वो मैं करता हूँ एडजस्ट, कुछ तो करना पड़ता। अरे एक महीना हो गया रो पत्तों पे बेचारे मेरे अम्मा बाबा। आ गया प्लान आ गया। शो का माहौल है क्या? गोश है ना। बोलो बेटे। अल्लू अम्मी को लेके पार्किंग में आओ, मटन मंदिर लाया, ज़ैनब को मालूम ना होना, अपन गाड़ी में सुतेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सुनो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है तेरा। Well that's it guys, hope you guys enjoyed this video. If you did, क्या करना मालूम ना, लाइक करना, लाइक करे तो मैं और वीडियोस बनाता हूँ। गाइस ये वीडियो आधा पार्ट जो रेस्टोरेंट का था, अजीबो रेस्टोरेंट पे शूट हुआ जिसका न्यू ब्रांच मलकपेट पे आया, और ये मेरे दोस्त खास दोस्त अयूब की रेस्टोरेंट है। अयूब की नहीं है, आपकी भी रेस्टोरेंट है। अरे ऑफ कोर्स। बहुत सारे नए डिशेस है यहाँ पे जो शाहरुख भाई टेस्ट करे। शाहरुख भाई भी देख लिया भाई, आखिरी टेस्ट जितना जैसा दिख रहा हो वीडियो में उससे कई ज्यादा बहुत मजे का टेस्ट है उसका। एक बार लोग जरूर आओ, फैमिली सेक्शन भी है माशाल्लाह, फैमिली सेक्शन भी है, फैमिली के साथ आओ। और रमजान में अब फर्स्ट टाइम अजीबो पे जो है हलीम भी स्टार्ट होने वाली है, कैसा भी हलीम ट्राई करना जरूरी है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। दुआओं में याद स्टे। चिराग।